अरे कुसुम, ये बच्चा मंदिर, आप तुम इसको लेके उधर जाओ, मैं आती हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो सब छोड़ो, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा है। क्या? ये बच्चा इसका मतलब हमारा है, और हमारे ब्रेकअप के 1 साल ही हुए हैं, और तब तुम प्रेग्नेंट थी। प्लीज मेरे बच्चे को दिखा दो। नहीं, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा मेरा है, क्योंकि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तक नहीं थे, तुम भाग गए थे। अरे कैसे रहता मैं उस समय तुम्हारे साथ? मेरे पास उस समय था ही क्या, ना मेरे पास खाने के पैसे थे, मैं उसमें छोटा भी था, मैं तुम्हें क्या खिलाता और बच्चे को क्या खिलाता, और पालता कैसे उसे मैं? इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस समय नहीं था। मगर आज मेरे पास बहुत कुछ है, पैसा है, धन दौलत सब कुछ है, अब आज मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान भी रख सकता हूँ। प्लीज मेरे बच्चे को चेहरा दिखा दो, प्लीज। इसके लिए तुम मुझे छोड़ के भाग गए? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मैं कैसे जीऊंगी? अरे एक बच्चे को लेके इतना ठोकर खाना पड़ता एक औरत को, और तुम ये सब जानते हुए भी मुझे एक सिंगल मदर बना के छोड़ के चले गए। और तुमने क्या बोला था? इस बच्चे को गिरा दो। एक माँ कभी अपने बच्चे को नहीं गिरा सकती, तुम्हें समझना चाहिए था। लेकिन तुम सब भाग गए थे, तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे ऊपर से क्या गुजरा। नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि अभी मेरे लाइफ में कोई और है जिसने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा इस बच्चे का बाप कौन है या कुछ भी। उसने आंख बंद करके मेरे बच्चे का हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया, कुछ नहीं बोला और मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। आज तक मुझे कभी रोने का मौका नहीं दिया। उसने मुझसे इतना प्यार किया, मैं उसको धोखा नहीं दे सकती, वो भी तुम्हारे लिए जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। अरे मेरा तो छोड़ो, अपने बच्चे को भी छोड़ दिया था। अब आए हो, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम प्लीज अभी मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी से चले जाओ। एक बार दिखा दो मेरे बच्चे को, प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ। चिंटू, अरे यार इतनी बार तुम कॉल क्यों करती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम प्रेग्नेंट हो? मैं अभी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, अभी मैं कोई काम धंधा भी नहीं करता हूँ, मैं इस बच्चे को नहीं रख सकता। तुम इस बच्चे को गिरा दो। तुम सुनो मेरी बात प्लीज। सुम, तुम यहाँ पे गलत हो। वो एक बच्चे का पिता है, उसे पूरा हक बनता है वो अपना बच्चा का मुंह देखे। हाँ मैं मानता हूँ वो गलत है, उसने जो किया बहुत बड़ा गलती किया, लेकिन उसे अब समझ आया, तो प्लीज एक बार उसको अपने बच्चे से मिलवा दो। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। अरे कुसुम, तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, मेरे लिए तुम इतना नहीं कर सकती हो। माही, बच्चे से मिलवा दो।